अगली खबर आ रही है भोपाल से, जहां एक मामा ने कंस जैसी करतूत की है। उसने कर्जा चुकाने के लिए अपने ही भांजे को अगवा कराकर 1 करोड़ की फिरौती मांगी, लेकिन उसका ये नापाक प्लान फेल हो गया। राजधानी के ICICI बैंक के रिकवरी मैनेजर को उसके ही सगे मामा ने किडनैप कराया था। आरोपी ने इसके लिए 2 बदमाशों को 50,000 रुपए में सुपारी दी थी। आरोपी मामा ने ही भांजे के मोबाइल से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, फिर खुद ही बहन के साथ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंच गया। शनिवार को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बैंक मैनेजर के मामा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार दोपहर राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में रहने वाले ICICI बैंक के रिकवरी मैनेजर राहुल राय को MP नगर से अगवा कर लिया गया था। पुलिस को वह रात में रातीबड़ इलाके में सुनसान जगह पर बेसुध हालत में पड़ा मिला था। एडिशनल DCP श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि मामले में राहुल के सगे मामा अनुपम दास के अलावा हंसराज वर्मा और आदित्य चौरसिया को गिरफ्तार किया है। अनुपम दास ने ही किडनैपिंग के लिए हंसराज और आदित्य को 50,000 रुपए देकर हायर किया था। दोनों आरोपी प्राइवेट अस्पताल में जॉब करते हैं। एडिशनल DCP श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि राहुल ICICI बैंक की MP नगर शाखा में बतौर रिकवरी मैनेजर पदस्थ है। शुक्रवार को रोजाना की तरह राहुल ड्यूटी पर बैंक पहुंचा था। दोपहर में हंसराज और आदित्य कार से बैंक पहुंचे। यहां हंसराज ने राहुल राय से मुलाकात की। बताया बैंक ऑफ इंडिया रातीबड़ शाखा में उनका लोन मंजूर नहीं हो रहा। मदद के बहाने वह राहुल राय को कार से रातीबड़ ले गए। रातीबड़ थाने से थोड़ा आगे निकलते ही आदित्य ने राहुल के सिर पर लोहे की रॉड मारी, इससे वह बेसुध हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी से राहुल का गला दबा दिया। दोनों ने उसे मृत समझकर सुनसान जगह पर फेंक दिया। इसके बाद राहुल के मोबाइल से उसकी माँ को फोन किया, धमकी दी कि 2 घंटे में 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर लो, नहीं तो राहुल की जान को खतरा है। जब उन्हें पता चला कि पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो आरोपी भाग निकले। पुलिस के मुताबिक अनुपम दास और हंसराज प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, इसमें उन्हें घाटा हो गया था। इस बीच हंसराज ने अनुपम दास को आर्थिक स्थिति के बारे में बताकर मदद मांगी। अनुपम ने उसे बताया कि उसके जीजा बैंक में पदस्थ थे, जिनका निधन हो गया है। बहन के पास बहुत पैसा है, भांजे राहुल राय के नाम से भी 1.5 करोड़ रुपए की FD है। इसके बाद दोनों ने राहुल के अपहरण की साजिश रच डाली। अनुपम ने हंसराज को कहा राहुल का अपहरण कर लो, फिरौती में 1 करोड़ रुपए मांगना। उसी ने कहा था कि बहन मुझसे ही मदद मांगेगी, पैसों की व्यवस्था हम बहन से कराएंगे, इससे दोनों का कर्ज चुक जाएगा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अनुपम दास ने बताया कि उसकी नजर बहन की संपत्ति पर थी। उसे पता चला था कि राहुल की पत्नी से अनबन चल रही है, वह अलग रह रही है। अनुपम दास को लगा कि राहुल के मरने के बाद बहन मुझे ही अपनी संपत्ति दे देगी, इसलिए उसने राहुल के अपहरण और हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक अनुपम दास मूलतः होशंगाबाद का रहने वाला है। वह भांजे के अपहरण के लिए भोपाल आया था, जिस कार से राहुल को अगवा किया गया वह आदित्य के भाई की है। वह घूमने की बात कहकर कार लेकर गया था।